अगस्त की शुरुआत गुड न्यूज के साथ हुई है। महीने के पहले दिन इकॉनमी के लिए एक के बाद एक ऐसे आंकड़े आए जो बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर है। इसी का असर है कि शेयर बाजार में भी आज खरीदारी का माहौल रहा। सेंसेक्स और निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सबसे पहली अच्छी खबर आई जीएसटी के मोर्चे पर। जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 1,49,000 करोड़ रुपए पर रहा। ये लगातार पांचवा महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1,40,000 करोड़ के पार रहा। इससे पहले जून में जीएसटी कलेक्शन 1,44,000 करोड़ और मई में 1,40,000 करोड़ था। जीएसटी कलेक्शन का लगातार 1,40,000 करोड़ के ऊपर बने रहना इकॉनमी के लिए अच्छी खबर है। इससे पता चलता है कि इकॉनमी में डिमांड में कमी नहीं है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी खबर आई है। मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स की सेल्स में जून के मुकाबले जुलाई में इजाफा देखने को मिला। जुलाई में घरेलू बाजार में टाटा ने 78,978 कारें बेची, जो जून महीने के मुकाबले 5% ज्यादा है। जून में टाटा ने 47,505 कार बेची थी। जुलाई में मारुति ने 1,75,916 यूनिट बेची, जबकि जून में 1,45,666 कार बेची, यानी जुलाई में मारुति की बिक्री 8.28% बढ़ गई। जुलाई में M&M ने 28,053 यूनिट बेची, जबकि जून में 26,880 यूनिट बेची थी। M&M की बिक्री में 4.4% की बढ़त देखने को मिली। बजाज ऑटो की बिक्री में 2.2% का इजाफा देखने को मिला। जुलाई में कंपनी ने 3,54,670 यूनिट बेची, जबकि जून में 3,47,000 यूनिट बेची थी। ऑटो शेयर्स के अच्छे नंबर्स का ही असर है कि आज बाजार में ऑटो शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। M&M का शेयर ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। मारुति और टाटा मोटर्स में अच्छी बढ़त देखने को मिली। जुलाई का एक और अच्छा आंकड़ा सामने आया है, वो है FPIs यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की शेयर बाजार में वापसी हो गई है। जुलाई में FPIs ने बाजार में 4,989 करोड़ रुपये का निवेश किया है। 9 महीने बाद बाजार में FPIs की ओर से खरीदारी हुई है। माना जा रहा है कि डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के बाद FPIs की बाजार में वापसी हुई है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनकी किसी कंपनी में हिस्सेदारी 10% से कम होती है। ये निवेश शेयरों या बॉन्ड के जरिए होते हैं। कुल मिलाकर इकॉनमी के लिए एक साथ 3 अच्छी खबरें आई हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत की इकॉनमी की स्थिति अभी मजबूत है।